नमस्कार प्रिय साथियों, मैं गंगाराम ज्योतिष के हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको गृहस्थ सुख के कुछ सूत्र बताऊंगा। यदि पति पत्नी में आपस में वैचारिक तालमेल का अभाव है, किचकिच मची रहती है, घर में दो चार दिन में किसी न किसी बात को लेकर के कलेश हो जाता है, या अन्य किसी भी कारण से पति पत्नी एक दूसरे से मानसिक या शारीरिक रूप से विलग हैं, एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज के उपाय राम बाण की तरह काम करेंगे। बहुत ही सटीक उपाय आपको बताने वाला हूँ। आज का यह उपाय पति पत्नी में प्रेम को बढ़ाता है, उनकी वैचारिक जो तालमेल है उसको बढ़ाता है। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों विषय में आगे बढ़ते हैं। दोनों में लगातार झगड़ा होने पर, टेंशन तनाव होने पर, कारण अकारण घर में क्लेश की स्थिति होने पर पति को अपनी अनामिका उंगली में यहाँ पर अपनी राशि के अनुसार हीरा या बिना जोड़ का सोने का छल्ला या बिना जोड़ का चांदी का छल्ला या बिना जोड़ का तांबे का छल्ला, जो भी आपकी राशि में सही बैठता हो, आपके ज्योतिष सलाह दे, अवश्य धारण करना चाहिए। यदि इनका बजट नहीं है तो पति पत्नी दोनों को अपने इंडेक्स फिंगर में, अंगूठे के पास वाली उंगली में, चांदी की अंगूठी में ओपल रत्न धारण करना चाहिए। शुक्र का यह रत्न पहनने से चमत्कारिक रूप से गृहस्थ सुख को बढ़ते हुए देखा गया है। साथियों, साथ ही साथ में माताओं बहनों को अपने जीवन में लगातार पार्वती माता की पूजा करनी चाहिए। त्रयोदशी के व्रत, सोमवार का व्रत और शिव पार्वती के मंदिर जाकर के समय समय पर भगवान शिव और पार्वती माता की आराधना करनी चाहिए। इससे व्यक्ति के गृहस्थ सुख में वृद्धि होती है। कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि उजड़े हुए घर भी बस जाते हैं, और पार्वती माता की उपासना बहुत ही शुभ मानी जाती है। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।